जब प्रीता छोटी थी तब प्रीता और करण एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ में लंच करते और साथ में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। करण को प्रीता बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो स्कूल में केवल प्रीता से ही बात करता था और उसका प्रीता के अलावा कोई और दोस्त भी नहीं था। लेकिन जब कोई लड़का प्रीता से बात करता तो वो उसे प्रीता के जाने के बाद बहुत मारता था, इसीलिए प्रीता से कोई भी बात नहीं करता था, जिससे प्रीता को बहुत दुख होता था। कुछ सालों बाद दोनों बड़े हो जाते हैं और अब भी दोनों बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं। एक दिन करण ने सोचा कि उसे प्रीता को प्रपोज कर देना चाहिए और वो प्रीता को फोन करके कॉफी शॉप बुलाता है। और वो जैसे ही कॉफी शॉप पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़का प्रीता के साथ बैठा हुआ है और उसके साथ ढेर सारी बातें कर रहा है और उसका हाथ भी पकड़े हुआ है। ये देखकर करण को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पास जाता है और प्रीता से पूछता है ये लड़का कौन है। तब प्रीता कहती है सॉरी यार, मैंने तुझे बताया नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड पृथ्वी है, मैं इसे स्पेशली तेरे से ही मिलवाने लाई हूँ। ये सुनकर करण हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और जब वो उससे हाथ मिलाता है तो वो पृथ्वी का हाथ तेज से दबा देता है। पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आता, तभी करण कहता है क्या तुम कॉफी खत्म करने के बाद मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। तब प्रीता कहती है बिल्कुल जाएगा, मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ। और फिर करण और पृथ्वी शॉपिंग के निकल जाते हैं, लेकिन मॉल में करण उसे लिफ्ट में ले जाता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उस देर बाद लोग पृथ्वी की लाश देखते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। जब ये बात प्रीता को पता चलती है तो बहुत रोने लगती है और करण प्रीता से कहता है पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं तो कपड़े खरीद रहा था, तुम रो मत। तब प्रीता को पृथ्वी की लाश के पास करण का पेन मिलता है और उसे करण पर शक होता है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कहती और अपनी दोस्त माहिरा से मिलने जाती है और उसे सब बताती है। तब माहिरा कहती है तुझे तो सिर्फ शक है, मुझे तो पूरा यकीन है कि उसी ने खून किया है, क्योंकि स्कूल टाइम पर जब भी कोई लड़का तुझसे बात करता था वो उसे तेरे जाने के बाद बहुत मारता था, इसीलिए कोई भी लड़का तुझसे स्कूल टाइम पर बात ही नहीं करता था। तब प्रीता को ये सुनकर काफी हैरानी होती है और वो कहती है ये तो क्या कह रही है, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तब माहिरा कहती है मुझे डर लगता था। तब प्रीता कहती है माहिरा तो पुलिस लेकर करण के घर पहुंच। और प्रीता भी करण के घर जाती है और उससे कहती है तूने ही पृथ्वी को मारा है ना, मैंने तेरी पैन पृथ्वी के लाश के पास देखी थी। तो करण कहता है हाँ मैंने मारा, क्योंकि मुझे तुझसे शादी करनी है। ये सब पुलिस भी सुन लेती है और करण को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।